दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, आप सबको मेरा नमस्कार। यहां पर आपको हम एक लेटर लेकर के आए हैं झारखंड सरकार का, आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के राज्य का। तो झारखंड राज्य का लेटर देखिए, 9 जून का लेटर है आपका और महिला बाल विकास विभाग की तरफ से लेटर है। मनोज कुमार जी हैं आपके निदेशक है समाज कल्याण विभाग में, उन्होंने लेटर भेजा है झारखंड के सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों को। और ये लेटर किस संबंध में, राज्य में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% शौचालय और आपका पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये आदेश गया है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी आप सब भाई बहन जरूर देखिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब हर राज्य की खबर आप लोगों को अलग अलग मिलेगी पूरी सच्चाई के साथ, और यहां पर अपने वहां पर आप शेयर भी कर पाओगे। यहां पर लिखा है कि इस संबंध में कहना है कि झारखंड राज्य अंतर्गत कुल 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं पूरे झारखंड में। इनमें से आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर माह में एक बार गर्भवती धात्री व 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको टेक होम राशन देने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से गर्भवती माता का टीकाकरण ANC तथा बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण किया जाता है। अब ऐसे में बताना यह चाहेंगे कि उपयुक्त कार्यों में सुचारू संपादन हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत सुविधा का होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में विभिन्न जिलों में प्राप्त प्रतिवेदन में कुल संचालित आपके जो 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र इतने हैं, जिनमें से आपके 21,793 जो भवन है आंगनबाड़ी के वो सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र भवन है। इनमें से आपके कुछ ऐसे हैं जैसे कि 13,727 आंगनबाड़ी केंद्र, ये आपके बहनों किराए पर झारखंड में चल रहे हैं 13,727। इनके लिए जो किराए के भवन में संचालित अनेक आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय व पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई केंद्र जो है कच्चे भवनों में चलाए जाने की सूचना मिली है। विदित हो कि आंगनबाड़ी केंद्रों को किराए के भवन हेतु प्रति माह मकान किराया भी भुगतान का प्रावधान है, प्रति माह है। याद रखना, ऐसा नहीं कि 2-4 साल हो जाए और किराया ही ना दिया जाए, आंगनबाड़ी बहनें बेचारी परेशान हो। तो प्रति माह भुगतान का यहां पर प्रावधान है। वर्णित स्थिति में जो निम्न निर्देश दिए गए, अब आगे आदेश इस लेटर में क्या है उनको आप सब देखिए। इन आदेशों के हिसाब से लिखा है, पहला कि किसी भी स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र कच्चे भवन में ना चलाए जाएं, इसे अविलंब पक्के मकान में स्थानांतरित कर दिया जाए। बरसात का मौसम आने वाला है तो सभी आंगनबाड़ी भवन पक्के में होने चाहिए, कच्चे में ना रहें झारखंड में। आगे आदेश है, जो आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर लिए गए हैं, भवन में चल रहे हैं, वहां जो है अचूक रूप से शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी आपके किराए पर चल रहे हैं वहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं है तो माह जुलाई से निश्चित रूप से वैसे पक्के मकान में केंद्र को स्थानांतरित किया जाए जहां उपयुक्त सुविधा सुगमता पूर्वक उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब है, पक्के भवन में भी यदि आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, वहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है झारखंड में, तो उन केंद्रों को भी अलग दूसरे केंद्रों पर बदल दिया जाए जहां पर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था हो। तो याद रखना, आगे लिखा है, सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इस बाबत प्रमाण पत्र दिनांक 15 जुलाई तक समर्पित करें कि जिनके जिले में कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। माह जुलाई में अगर कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र पाया जाता है तो संबंधित आंगनबाड़ी सहायिका, महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना हेतु आवश्यक कार्रवाई कर दी जाएगी। यह आदेश आया है, तो समझिए मेरी बातों को। जहां कहीं पहली बात कच्चा भवन है झारखंड में तो वो वहां पर नहीं चलेगा, पक्के भवन में ट्रांसफर करवाइए। और पक्के भवन में भी यदि चल रहा था अभी तक और वहां पर पेयजल और आपकी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो भी आपका भवन जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए जहां पर हर एक सुविधाओं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, अगले राज्य की खबर को लेकर के हम आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो झारखंड की बहनों पसंद आया हो तो अपने अपने वहां हर एक बहन तक पहुंचाइए सच्ची खबरें ऑल इंडिया की। धन्यवाद। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना है।